कुछ तो है राबता सेल में, कल्याणी और उसका पति अपने बच्चे को पाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जहाँ जिनके पास बच्चा है वो बच्चे से परेशान है, क्योंकि बच्चे को रखना संभालना इतना आसान नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं तो यही कहता हूँ कि जहाँ बच्चा होता है ना, वहाँ पर माहौल खुशनुमा हो जाता है। आज भी खुशनुमा हो जाएगा, क्योंकि आज की हमारी कहानी में यही बच्चा देखिए अपने कितने अलग अलग रूप दिखा रहा है। आखिरकार कल्याणी और मल्हार को उनकी दुनिया मिल ही गई, मोक्ष, जिसमें कल्याणी की जान बसती है। आज कुछ पल कल्याणी और मल्हार को उसके साथ मिल रहे हैं। इन तीनों की ये मस्ती तो पर्दे के पीछे की है, पर्दे के ऊपर तो नजारा कुछ और ही है। दरअसल संपदा यहाँ मोक्ष का सौदा करने आई है, और अपने पिल्लू को ढूंढते हुए कल्याणी इस कुत्ते की मदद से हॉस्पिटल के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। ड्रामा बच्चे को लेके हो रहा है, मुझे लग रहा है कि बच्चे को कहीं दूर भेज दिया जा रहा है मुझसे, और उसकी जो माँ है वो कुछ गलत कर रही है। तो बस बच्चे को ढूंढते ढूंढते अभी कुत्ते की मदद के लिए है हमने, और वो कुत्ता हमें इस हॉस्पिटल तक लेके आया है, ये कहने लाइक बता रहा है हमें कि मोक्ष यहाँ पर है। अब तक कल्याणी और मल्हार दोनों ही इस बात से अनजान है कि मोक्ष और संपदा दोनों ही इस हॉस्पिटल में है, और चाहे जो हो जाए, संपदा चाहे कितनी भी कोशिशें कर ले, कल्याणी अपने पिल्लू को बचा ही लेगी। कैमरामैन अनु प्रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।